नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है मानूस अजनबी। कॉलम निगार हैं यासिर पीरजादा और आवाज़ है मलीहा अमीन की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। मैं रोजाना सुबह सवेरे इस सड़क के किनारे टहलता हूँ। ये सड़क मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं, चंद कदम का फासला होगा। उमूमन लोग चहल कदमी के लिए किसी बाग का रुख करते हैं, मगर मुझे ये सड़क पसंद है। अली उस सुबह यहाँ ट्रैफिक का रश जरा कम होता है, गाड़ियों की चीखो पुकार और लोगों की धक्कम पेल भी नहीं होती, मगर फिर जरा सी देर में ही यहाँ एक हंगामा सा बरपा हो जाता है। यकायक हड़बोंग मच जाती है, यूं लगता है जैसे ये सब लोग अपने अपने बिलों में छुपे हुए थे जो अचानक मुकर्ररा वक्त पर एक साथ बाहर निकले हैं। ट्रैफिक को काबू करने वाला संतरी भी इसी हंगामे में ड्यूटी पर आता है। शुरू का एक आध घंटा तो वो यूं ही जमाइयां लेते हुए गुजार देता है, फिर उसके बाद आड़ा तिरछा होकर बादल नखास्ता अपना काम शुरू करता है। चौराहे पर नस्ब ट्रैफिक की बत्ती को गालबन किसी जुलूस के दौरान तोड़ फोड़ में नुकसान पहुंचा था, सो वो बेकार हो चुकी है। अक्सर इसी वजह से ट्रैफिक फंसी रहती है। संतरी को मगर इसकी परवाह नहीं होती, वो सिर्फ उस वक्त चौकस दिखाई देता है जब किसी अहम शख्सियत ने सड़क से गुजरना हो, और ऐसा महीने में एक आध बार ही होता है। लोगों के रश की वजह से ठेले वालों और खांचा फरोशों के लिए भी ये सड़क काफी पुरकशिश है। दिन चढ़ने के साथ वो भी यहाँ आ पहुँचते हैं। मैं इस दौरान वहीं चहल कदमी करता हूं और कोशिश करता हूं कि इनमें से किसी के काम में रुकावट ना बनूं। मुमकिन है कुछ लोगों को मेरी बात अजीब लगे कि ऐसी भीड़ भाड़ में भला कैसे टहला जा सकता है, मगर मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। इस कदर रश के बावजूद मैं वॉक करते हुए कभी किसी से नहीं टकराया और न ही मैं किसी के रास्ते में आया हूँ। मेरे इस मामूल में कभी फर्क नहीं आता और मैं रोजाना इसी सड़क का रुख करता हूँ। आम लोगों के बरक्स मुझे शोर और भीड़ भाड़ वाली जगह ज्यादा पसंद है। मैं बहुत से इंसानों को एक साथ देखकर खुश होता हूँ। तन्हाई और गोशा नशीनी से मुझे वहशत होती है, सन्नाटे से मेरा दिल घबराता है और वीरान जगहों से मुझे खौफ आता है। इसीलिए मैं बिला नागा यहाँ आता हूँ। इस सड़क पर दौड़ती भागती गाड़ियों और फुटपाथ पर तेज से चलते हुए लोगों को देखकर मुझे एक तरह का इत्मीनान होता है कि जमीन पर जिंदगी रवा दवा है। सड़क पर भिखारियों की आमद भी दिन चढ़े शुरू हो जाती है। रेड़ी बानों की तरह इन भिखारियों ने भी अपनी अपनी जगहें मुकर्रर की हुई हैं और कोई एक दूसरे की हदूद में नहीं घुसता। ये लोग सारा सारा दिन गाड़ियों के आगे पीछे हाथ फैलाए भागते रहते हैं। मैंने कभी इनसे पूछा तो नहीं, मगर मेरा अंदाजा है कि रात तक ये अच्छी खासी कमाई कर लेते होंगे। संतरी बादशाह कभी कभार इन्हें डांट डपट कर भगाने की नीम दलानी सी कोशिश करता है, मगर इन्हें भी अपना पता है कि संतरी का हकीकत में ऐसा कोई इरादा नहीं। एक मर्तबा तो मैंने संतरी को उनसे माचिस लेकर सिगरेट सुलगाते हुए और ठठोल करते हुए देखा। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। आखिर मैं भी वहीं उसके आसपास होता हूँ और मेरा मामूल है कि मैं टहलने के बाद खड़े खड़े एक सिगरेट जरूर पीता हूँ, मगर संतरी ने मुझसे कभी सिगरेट या माचिस नहीं मांगी। शायद वो मुझसे झिझकता है। इन भिखारियों को तो खैर मैं ज्यादा मुंह नहीं लगाता, अलबत्ता एक आध ठेले वाले से मेरी सलाम दुआ जरूर हो गई है। सलाम दुआ कहना शायद मुनासिब ना हो, दरअसल ख्वाजा फरोशों में सबसे पहले ये ठेले वाला आता है और मैं इसे देख कर अपने सर को खफीफ सी जंबिश देता हूँ, गोया उसकी पाबंदी वक्त या डिसिप्लिन को सराह रहा हूँ। जवाबन वो भी मुस्कुराकर मुझे देखता है, या कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि वो मुस्कुराता है। इस ठेले वाले को मैंने मशवरा दिया है कि वो रोजमर्रा के इस्तेमाल की कुछ चीजें रखे जिनकी अक्सर घरों में जरूरत होती है और जिनके लिए खामखा बड़ी दुकानों में जाना पड़ता है। मैंने उसे समझाया है कि इससे तुम्हारी बिक्री बढ़ेगी। ठेले वाले को मेरा ये मशवरा बहुत पसंद आया और उसने कहा कि वो जल्द ही इस पर अमल करेगा। आज अलबत्ता एक अजीब वाकया हुआ। हज़्बे मामूल में वॉक करने निकला, सड़क पर अभी ज्यादा रश नहीं हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना आज सड़क के उस पार चहल कदमी की जाए। महीने में एक आध बार मैं ऐसा करता हूँ। अभी मैं
इधर उधर देख ही रहा था कि इस दौरान अचानक न जाने कहां से एक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होती हुई आई और मुझे रगीदते हुए खंबे से टकरा गई। मैं कई फुट दूर उछलकर फुटपाथ पर उस ठेले वाले के करीब गिरा जो सबसे पहले आकर अपना ठेला लगाता है। थोड़ी ही देर में मेरे गिर्द लोगों की भीड़ लग गई। ठेले वाला भागम भाग देखने आया कि क्या हुआ है। एक दो सिक्योरिटी गार्ड भी पहुंच गए। बेकरी वाला जो अपनी दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था वो भी दुकान छोड़कर आ गया। भांत भांत की बोलियां मेरे कानों में सुनाई देने लगी। कोई एम्बुलेंस बुलाने के लिए कह रहा था तो कोई पुलिस को फोन करने का मशवरा दे रहा था। वही मौजूद किसी लौंडे ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाना भी शुरू कर दी। थोड़ी देर में ट्रैफिक का संतरी भी वहां पहुंच गया और लोगों को परे हटने का हुक्म देने लगा। एक नजर उसने मुझ पर डाली और फिर पूछने लगा कि ये सब कैसे हुआ। हर कोई अपनी अपनी जुबान में वकूफ बयान करने लगा। इस दौरान किसी ने संतरी के कान में कहा कि इसके घर वालों को इत्तला करनी चाहिए। संतरी ने यह सुनकर सर हिलाया और भीड़ में मौजूद लोगों से पूछा, क्यों भाई, किसी को इसके घर का पता है? कोई जानता है इसे? ठेले वाले ने एकदम कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर फिर सोचकर चुप हो गया कि उसके मुंह से फकत ये अल्फाज निकले, साहब आज से पहले कभी देखा नहीं इसे। भीड़ अब छट चुकी थी। बेकरी वाला अपनी दुकान खोल रहा था। सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी ड्यूटी पर वापस जा चुके थे। ठेले वाला अपना सामान सजाने लगा था। मोबाइल फोन से वीडियो बनाने वाला लड़का, एक आध राहगीर और भिखारी वहीं मौजूद थे। संतरी ने बेजारी से फोन निकाला और एम्बुलेंस का नंबर मिलाने लगा। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।